हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं FMGE 2020 एडमिट कार्ड के बारे में। आप लोगों का एग्जाम FMGE 2020 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है गाइस। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसी के साथ साथ उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, आपको उसके ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, कौन सी डिटेल्स एडमिट कार्ड पर प्रोवाइड कराई हुई रहेगी, हर एक चीज फुल डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबाना ना भूले, ताकि अगर FMGE 2020 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं FMGE 2020 एडमिट कार्ड के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना होगा, और google.com ओपन करते ही आपको वहां पे जो है सर्च करना है FMGE एडमिट कार्ड 2020, और उसके आगे आप लोगों को लिखना होगा cett.co.in। आप लोगों के लिए cett.co.in लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको FMGE का एडमिट कार्ड सिंपली एक क्लिक से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ ही साथ ये वेबसाइट जो FMGE की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ डेली बेसिस पे रेगुलरली अपडेट भी होती रहती है। फिर सिंपली आपको जो गूगल में सबसे ज्यादा फर्स्ट रिजल्ट दिखा देगा ऊपर FMGE 2020 एडमिट कार्ड, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना होगा, और उस पर क्लिक करते आपके सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको FMGE 2020 एडमिट कार्ड के बारे में फुल डिटेल जानने को मिल जाएगी। लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है FMGE एडमिट कार्ड 2020 रिलीज। फिर नीचे आप जैसे थोड़ा आएंगे तो आप देख सकते हैं FMGE जून सेशन 2020 एडमिट कार्ड हैज बीन अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आप लोगों का जो जून सेशन का FMGE का जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो चुका है ऑनलाइन मोड के द्वारा, आप जो उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको उसकी ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, किस तरह से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसका सवाल यहाँ पे है गाइस। आप यहाँ से सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक आपको दिखाई दे रही क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड थ्रू लॉगिन, आप इस पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पहले हम कुछ और डिटेल्स में आपको बताना जरूरी समझता हूँ। यहाँ पे आपको डेट्स बता दी गई है किस तरह से आपको डाउनलोड करना, कौन सी डिटेल्स आपकी प्रोवाइड कराई रहेगी एडमिट कार्ड के ऊपर, लाइक आपका नाम, रोल नंबर, कास्ट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, मदर नेम, एग्जाम का नाम, एग्जाम सेंटर का नेम रहेगा, आपका कोड रहेगा एग्जाम सेंटर का, एड्रेस दिया हुआ रहेगा एग्जाम सेक्टर का, और जो भी डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस रहेंगे एग्जाम के रिगार्डिंग वो दिए हुए रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के प्रोसीजर को। तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना होगा, क्लिक करते आप एक न्यू टैब पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा FMGE जून सेशन 2020। सो गाइस, इसके लिंक जो है डायरेक्टली मैं ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डायरेक्टली मैं आपको दे दूंगा, तो जहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपली अपना जो यूज़र आईडी, आपका वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना रहेगा, और यूज़र आईडी प्रोवाइड कराने के बाद आपको नीचे अपना पासवर्ड जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया सेट करेगा वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना रहेगा। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको जो एडमिट कार्ड का टैब दिखा देगा उस पर क्लिक करना होगा, और आपका एडमिट कार्ड आप आसानी से उधर से आपके सामने जो है पॉपअप होकर आ जाएगा, फिर अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हो, उस पर क्लिक करके नीचे आपको अपना यूजर आईडी डालने को कहा जाएगा, यूजर आईडी डाल के आपको ऊपर जो कैप्चा दिख रहा है वो पुट करना होगा, फिर गेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा, तो वहाँ से आपको अपना न्यू पासवर्ड मिल जाएगा, अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको यूजर आईडी डालना होगा, आपका ओल्ड पासवर्ड डालना होगा, आपका न्यू पासवर्ड, और न्यू पासवर्ड फिर से आपको कंफर्मेशन के लिए डालना होगा, और कैप्चा फिल करके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि अभी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।